दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी भविष्य के डॉक्टर्स का आपकी अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों। नीट 2019 के लिए जो है ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग डेट थी वो आ चुकी है, ठीक 4 दिनों के बाद होनी है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट भी आता है कि हम जानें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ताकि हम बहुत आसानी से ऑल इंडिया कोटा के तहत गवर्नमेंट कॉलेज पा पाए दोस्तों। तो प्लीज़ आज की वीडियो उसी पे है, अंत तक देखिएगा और अपने जितने सवाल से वो कमेंट करिएगा, हम उन हर एक सवाल का जो है आंसर लेके आ गए हैं। हमने सीरीज रेडी कर ली है कि आपको हर सीरीज़ में अलग अलग कैटेगरी की कितनी कट ऑफ थी, कितने बच्चे हैं, सभी बताऊँगा कहाँ कितने गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ आज इस सीरीज़ की पहला वीडियो है जहाँ से आपको बताएंगे कितने ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें हैं, किस स्टेट में और टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आइए चाहे वीडियो की, अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस स्टेट में कितनी सीटें हैं और टोटल ओवरऑल पूरे इंडिया में कितनी ऑल नेकोडा के MBBS सीटें हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से टॉपिक को, सबसे पहले हमारा आता है अंडमान निकोबार दोस्तों। यहाँ पे जो कॉलेज आपका है वो एक कॉलेज है और सीटें हैं MBBS की 15। आंध्र प्रदेश में 12 कॉलेजेस हैं और सीटें यहाँ पे हैं 285। आसाम की 6 कॉलेजेस हैं और सीटें हैं 108। ऐसे ही बिहार में आप जाएंगे तो 9 कॉलेज हैं, सीटें हैं 142। चंडीगढ़ की बात करें तो 1 कॉलेज है और सीटें हैं 15। छत्तीसगढ़ के 5 कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ सीट्स हैं 81। दोस्तों दमन द्वीप में जो है नॉर्थ के लिए भी यहाँ पे कोई कॉलेज सीट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली में 6 कॉलेजेस हैं और जो यहाँ पे सीट्स हैं वो हैं 135। गोवा की बात करें तो 1 कॉलेज है और 22 सीटें हैं। ऐसे आप देखिए कि हर एक स्टेट का अलग अलग है। गुजरात में 6 कॉलेजेस हैं, 161 सीट्स है। हरियाणा में 5 कॉलेजेस हैं, 88 सीट्स हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 5 कॉलेज हैं, 75 सीट्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर में नॉट पार्टिसिपेंट ये नहीं होता था यहाँ पे। फिर झारखंड की बात करें तो 3 कॉलेजेस हैं, 45 सीट्स हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 118 सीटें हैं, कॉलेजेस हैं और 412 सीटें यहाँ पे। उसके बाद केरला की, तो केरल में 9 कॉलेजेस हैं और सीटें यहाँ पे हैं 1350। मध्य प्रदेश की बात करें 6 कॉलेजेस हैं और 800 सीटें यहाँ पे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए आप दिख रही होगी आपको अभी तक की 22 कॉलेजेस हैं और 3050 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के बाद बात करें मणिपाल की तो 2 कॉलेजेस हैं यहाँ पर और 200 सीट दोस्तों। एवरेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो मणिपुर में है, यहाँ पर 2 कॉलेज में 200 सीट्स हैं। ऐसे आपको देखेंगे तो आपको मणिपुर के बाद मेघालय में 1 कॉलेज 50, उड़ीसा 850, पांडिचेरी की बात करें तो 1 कॉलेजेस 150, पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस 500, राजस्थान 8 कॉलेज 1450, सिक्किम में 00, तमिलनाडु की बात करें तो 25 कॉलेजेस 350। ऐसे ही आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 कॉलेजेस 2199 सीटें हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 3 कॉलेजेस 350 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 14 कॉलेजेस हैं, 250 सीटें हैं। तो आपके सामने पूरी सीरीज है ऑल इंडिया कोटा के तहत जो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले की अपडेट है, यानी कि सीटें जितनी बढ़ी हैं सारी सीटें इंक्लूडेड हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा में वो है 216 और जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो 30,455 सीट्स हैं। तो आपको हर एक स्टेट का आपका अलग अलग मैंने दे दिया है, आप सभी इसको देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि पूरे ऑल इंडिया में 30,455 सीट्स हैं, तो यानी अगर आपकी रैंक 32,000 से 35,000 तक है तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के तहत। क्योंकि अभी ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन्होंने नीट के साथ में MBBS एम्स में भी अच्छा स्कोर किया है, तो उन गाइस दोस्तों का पहला जो वो होगा तो वो पहले एम्स को सिलेक्ट करेंगे देन नीट में आएंगे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपकी रैंक 35,000 समथिंग में भी है तब आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।